ईश्वर ही है और है कौन। तनाव, आने से पहले आराम, सुस्ती, होने से पहले काम, संतुलित बिंदु पर काम करते हुए गुणातीत अवस्था की तरफ जाएंगे, जहां हमें पक्का होना चाहिए कि ये गुण जो है शरीर के साथ है। तनाव जो आता है शरीर और मन के साथ आता है, ये आपके साथ नहीं है। तो ये याद आपको तनाव में भी अभिव्यक्ति करना सिखाएगी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है, हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है, मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। रजोगुणी से भी ऊपर उठे, तमोगुणी से भी ऊपर उठे। तनाव आने से पहले आराम, सुस्ती होने से पहले काम, संतुलित बिंदु पर काम करते हुए गुणातीत अवस्था की तरफ जाएंगे, जहां हमें पक्का होना चाहिए कि ये गुण जो है शरीर के साथ है। तनाव जो आता है शरीर और मन के साथ आता है, ये आपके साथ नहीं है। तो ये याद आपको तनाव में भी अभिव्यक्ति करना सिखाएगी। तनाव से आप हट नहीं जाओगे अपने काम से, अपना काम जारी रखोगे और उस तनाव को ऐसे देखोगे जैसे आपको पसीना आ गया। तो कैसे देखते हो पसीने का? किसी ने आपके माथे पर स्टिकर चिपका दिया तो आप कैसे देखोगे? ये स्टिकर है, थोड़ी देर के बाद उतर गया। ये स्टिकर चिपकते हैं, आते हैं, जाते हैं, इससे कुछ अभिव्यक्ति में फर्क नहीं पड़ता है। तनाव चिपका है, कुछ देर रहता है, चला जाता है, ये होते रहता है। तो ये मेरे साथ नहीं है, ये अभिव्यक्ति में बाधा नहीं बन सकता। क्या इसके बावजूद भी मेरी अभिव्यक्ति चल सकती है? तो बावजूद शब्द बड़ा काम करता है। जब आप अपने आप से पूछते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है, क्या इसके बावजूद भी तुम शांत रह सकते हो, क्या इसके बावजूद भी अपना काम कर सकते हो, जवाब आएगा हाँ थोड़ा तो कर ही सकते हैं, थोड़ा तो कर ही सकते हैं। तो फिर वह सवाल सुलझ जाएगा जिसमें इंसान कहता है कि तनाव की वजह से काम नहीं करते और काम नहीं करते से तनाव और बढ़ता है, काम नहीं हुआ तो तनाव और बढ़ता है। तो उनको कहा जाता है यह मंत्र याद रखो, थोड़ा मगर आज, ऐसा भी नहीं कि पूरा ही काम करना है, मगर थोड़ा पार्ट तो ले लो ताकि काम थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाए, थोड़ा मगर आज। वरना थोड़ा भी नहीं किया, दो दिन के बाद काम और बढ़ गया और तनाव आ गया और उस तनाव में फिर बिल्कुल काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा मगर आज। विद्यार्थी को टेंशन आ गया, इतना मुझे सिलेबस कवर करना है, तो उसको कहा जाता थोड़ा तो शुरू कर लो, वरना ये बढ़ते ही जाता है, दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। अब सही ढंग से आप आगे बढ़ोगे और उस संतुलित बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पर आराम और तनाव दोनों साथ में काम करते हैं, जिसके लिए आपको उदाहरण बताया गया। एक पुल से जाने वाला इंसान दो सोने की गेंदों को कैसे उछालते हुए एक वक्त में एक गेंद को हाथ पर रखते हुए सजगता के साथ गेंद दूसरी हाथ में आने से पहले ही पहली गेंद को उछाल देता है। जब ऐसी साधना हो जाती है तब वह भवसागर के ऊपर की पुल पार कर लेता है। वरना लोग जीवन को पहली समझकर इसको नहीं सुलझा सकते, दोनों तरफ चोर हैं, हम इस पुल को पार नहीं कर सकते, अगर पार कर भी पाए तो लक्ष्य पूरा कर नहीं पाएंगे, सोने की दोनों गेंदों को नहीं ले जा पाएंगे। इस तरह इंसान निराश होकर या गलत अनुमान लगाकर बैठ जाता है। मगर जब वह किसी को उस पुल से जाते हुए देखता है, अपने बुद्ध को देखा, कबीर को देखा, गुरु नानक को देखा, रमण महर्षि हो, रामकृष्ण परमहंस, कई अनेक नाम जो लोग जानते हैं और ऐसे लाखों हैं जिनके नाम किसी को पता भी नहीं, जब ऐसे लोगों को देखा जाता है तब पता चलता है जरूर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, जिस वजह से हम बिना कारण तनाव में जीते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।